ये कहीं ये तो नाराज हो जाती हैं अगर ये कहीं कोई कह दूं मैं कि ये मैं कि इनके लिए कि ये कहीं नहीं बताते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, प्रेसिडेंट मेरे वालिद हैं और समथिंग यू नो ये आई लाइक दैट इन देम दैट दे आर हम्बल दे डोंट बिलीव इन थ्रोइंग देयर वेट कि जी ये प्रेसिडेंट के बच्चे हैं एंड नाइदर डू आई वांट देम टू डू दैट दे शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. रिस्पेक्ट इंसान की बड़ाई दिखाने से नहीं होती है, दूसरा देखे कि ये बड़ा है उससे बड़ाई होती है रियल. अगर उनको पता हो ये कॉमन जगह में घूम रहा है और एकदम से उन्हें मालूम हो कि भाई ये तो प्रेसिडेंट का लड़का है, बेटा है या बेटी है, फिर जो वो रिस्पेक्ट से इसे देखेंगे वो रिस्पेक्ट है. ना कि ये कहे कि मैं अब आ रहा हूं जी प्रेसिडेंट के बेटे हूं मैं, तो मुझे गार्ड शार्ट गाड़ी आई आगे पीछे लोग भाग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कौन आ गया है, उससे रिस्पेक्ट नहीं है वो बल्कि आगे वाले लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ आदमी है ये खामखा. तो रिस्पेक्ट असली ये है कि दूसरे को देखे कि क्या आदमी है ये ग्रेट, एंड आई थिंक दे मेंटेन दैट. एग्जांपल मेरे ख्याल में मैं बिलाल का भी देता हूँ, किसका ये जब जहां ये जॉब कर रहा था बॉस्टन में, मुझे 9/11 के बाद नाउ ही वॉज डूइंग अ जॉब, उधर कुछ अर्सा हो गया था. इनकी जो सिक्योरिटी कंपनी है उस जहां ये काम कर रहा था उधर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सिक्योरिटी रिस्क है, प्रॉब्लम है आपकी कम, तो हमें चार्जेस इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो इनकी जो बॉस कोई खातून थी, देखो सम लेडी एंड से नहीं पता था, उन्होंने फिर उन्होंने बताया कि एक वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका लड़का इधर है, तो उसने इसे बुलाया और कहा कि डू यू नो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ही सेड यस आई नो इट. सो शी आस्क्ड हाउ डू यू नो हिम, तो ही सेड ही इज माय फादर. तो वो बड़ी हैरान हुई, उसने कहा व्हाई डिड यू टेल मी दैट बिफोर, तो इसने कहा आपने व्हाई डिड आई हैव टू टेल यू दैट, यू डिडंट आस्क एंड आई वाज नॉट सपोज्ड टू. देयर हैव बीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आई मीन आई एम नॉट, आई थिंक जो मैंने और आई लव दोनों, हम दोनों की पॉलिसी है जैसे कहते हैं डोंट आस्क डोंट टेल पॉलिसी है, ये नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा कभी, किसी ने पूछ लिया तो बता दिया, किसी ने नहीं पूछा नहीं बताया, कोई जरूरत नहीं बताने की, मतलब कि कोई आस्तीन पर लगा के घूमने की जरूरत नहीं है, और जो है सो है, और आई एम प्राउड ऑफ इट बट आई डोंट फ्लॉन्ट इट, आई देयर इज नो रीजन टू फ्लॉन्ट इट, इज व्हाट इट इज. तो बचपन में कहानी फारसी तो हमें इतनी ज्यादा नहीं आती, वो कहानी ये थी कि एक गीदड़ होता है और वो कहता फिरता है सारे जंगल में कि पिदरे माँ मेरा बाप सुल्तान बूद सुल्तान था, तो बाकी जानवर पूछते हैं और तुम. और हम लोग पले हैं ये बातें सुन के कि इंसान को अपनी वक्त अपने खुद ही इंसान को अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है, और हम दोनों बहुत कॉन्शियस हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम कोई अपनी सी हम्बल कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस सिचुएशन में, वो ये है कि हम अपनी जिंदगी इंशाल्लाह खुद से बनाएंगे, उसमें कोई शक नहीं. हमारी इमेज बहुत खराब हुई है इंटरनेशनली, लोग समझते हैं यहाँ हमें गोलियां चोलियां चलाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कि हमारा ना कोई कल्चर हेरिटेज, कोई कोई रिलैक्सेशन, कोई कोई एंजॉयमेंट, कोई हंसी, कोई कोई खेल. तो आई ऑलवेज थॉट कि सॉफ्ट इमेज डालो भाई, सॉफ्ट.